यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन रहा, लेकिन सदन के पहले ही दिन से समाजवादी पार्टी का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री महबूब अली ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नगर पालिकाओं के नवीन परिसीमन को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं। आपको बता दें कि महबूब अली जनपद अमरोहा से सदर विधायक हैं और छठी बार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। सदन के पहले ही दिन से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके विधायक विपक्ष की भूमिका को चमकाने के प्रयासों में जान लगा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन में लगातार दो दिन से यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भरोसेमंद विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली ने बुधवार को सदन में भाजपा सरकार को धर्म निरपेक्षता के सवाल पर घेरा है। वहीं महबूब अली ने कहा कि प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को किसी भी प्रकार से जीतने के लिए बीजेपी की सरकार ने मानकों को दरकिनार करते हुए धर्म और जाति के आधार पर नगर पालिकाओं का परिसीमन तैयार किया है, जिससे एक विशेष वर्ग के चुनाव में नुकसान हो सके। ये परिसीमन शासन आदेशों के विपरीत तैयार हुआ है। तरह से आज परिसीमन किया गया है। अब परिसीमन सीधा सीधा मुझे कह देने में कोई संकोच नहीं कि वो धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं किया गया। आपने जिस शासनादेश का हवाला प्रश्न में दिया है, उस शासनादेश को आप मानवत पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि शासनादेश क्या कह रहा। शासनादेश स्पष्ट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि 75% आबादी उसमें गैर कृषि लोगों की होनी चाहिए, जिसका जिस परिसीमन में जोड़ा जा रहा है। वहां शहरीकरण के गुण होने चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, व्यवसायिक केंद्र होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, शिक्षण संस्थान होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और अस्पताल होने चाहिए, विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकें होनी चाहिए, सारी शाखाओं होनी चाहिए दूसरी बैंक से।